हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आने वाली अगली वीडियो में हम विंडोज़ इंस्टॉल करना सीखेंगे कि अपने कंप्यूटर में कैसे विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपने अगर मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी कि कंप्यूटर कैसे असेंबल करते हैं, कैसे आप घर बैठे कंप्यूटर बना सकते हैं, तो वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा वीडियो एडिटर है, तो असेंबल करने के लिए सॉरी विंडो इंस्टॉल करने के लिए आप ये जो डीवीडी एडिटर है मैं इसे ओपन करूँगा। आप विंडो इंस्टॉल करने के लिए या तो आप अपना सिस्टम जो है ऑन भी कर सकते हैं, या अगर आपका सिस्टम ऑफ है, आप जैसे ही इसमें स्टार्ट का बटन है, नीचे जो स्टार्ट का बटन आप देख रहे हैं, आप जैसे ही इसे स्टार्ट करेंगे उसके बाद आप डीवीडी एडिटर अपना ओपन कीजिए, इसमें विंडो की सीडी डाल दीजिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा जो कंप्यूटर है अभी ऑन है, ये आप देख सकते हैं, मेरा सिस्टम अभी ऑन है। तो मैं इसमें विंडो इंस्टॉल करना आपको बताऊंगा। अगर आपको विंडो इंस्टॉल करना नहीं आता तो इस वीडियो की मदद से आप विंडो इंस्टॉल करना सीख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी विंडो करप्ट हो जाती है, या वायरस की वजह से दिक्कत आती है हमारी विंडो के अंदर, या ब्लू स्क्रीन ज़्यादा आती है, तो वायरस की वजह से भी हो सकता है, या हमारी ड्राइव जो है करप्ट हो चुकी है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आप इस वीडियो के माध्यम से विंडो इंस्टॉल करना सीख जाएंगे। तो ठीक है, अच्छा मेरे पास ये सीडी है विंडो की, ये विंडो 7 है, मैं इसमें विंडो 7 आपको इंस्टॉल करना बताऊंगा। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम अपना जो डीवीडी एड्रेस ओपन करेंगे, ये ओपन हो चुका है। उसके बाद हम अपनी जो है इसमें सीडी जो है डालेंगे, सीडी हमने इसमें विंडो की 7 की इसमें सीडी डाल दी है। उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अपने सिस्टम पर आते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने जो है अपने डीवीडी एडिटर विंडो 7 की सीडी डाल दी है, और सीडी डालने के बाद जो है मैं सिस्टम अपना रीस्टार्ट करता हूँ। विंडो इंस्टॉल करने के लिए हमें सिस्टम अपना रीस्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले आपको जो उसकी डीवीडी है विंडो 7 की, वो आपको डीवीडी एडिटर में डालनी होती है। तो ठीक है, मैंने सीडी डाल रखी है, उसके अंदर सिस्टम में रीस्टार्ट करता हूँ। अब जैसे मैं रीस्टार्ट करता हूँ तो सिस्टम मेरा रीस्टार्ट होगा, और उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से जो है जिस भी ऑप्शन से आपका जो सिस्टम है बूट होता है वो आप प्रेस कीजिए वो की। तो मेरा जो सिस्टम है F12 से होता है, तो मैं F12 प्रेस करूंगा। अब जैसे मैंने F12 प्रेस किया तो मेरे सामने देखिए ये ऑप्शन आ चुके हैं, तो लिखा है प्लीज सेलेक्ट बूट डिवाइस। थोड़ा पास से दिखाता हूं आपको, प्लीज सेलेक्ट बूट डिवाइस, यानी कि डीवीडी एडिटर है और जो हार्ड डिस्क है आपकी एंटर सेटअप है। हमें क्या करना है, जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है पहला जो है डीवीडी वाला, उसी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर हम एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस किए मैंने, उसके बाद आप कंटिन्यू अपने कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करते रहिए। सामने उसके बाद एक विंडो आएगी आपके सामने इस तरीके से, विंडो सेटअप इनेबल्ड। तो ये जो पहला ऑप्शन है, ये जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं विंडो सेटअप इनेबल्ड, इसी पर आपको जो है एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप देखिए विंडो इज लोडिंग फाइल, देखिए अभी जो है अपना सिस्टम जो है अपना आप ही स्टार्ट होगा। अब देखिए आप देख सकते हैं मेरे सामने जो है विंडो का सेटअप आ चुका है, इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विंडो 7 लिखा है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज है और टाइम करेंसी फॉर्मेट दे रखा है। इसमें आपको कुछ नहीं छेड़ना। जो नेक्स्ट का बटन है यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो नीचे नेक्स्ट का बटन है, आपको सिंपल क्या करना है, एंटर कर देना है। ये मैं टैप से कर रहा हूं, टैप से आप, क्योंकि इसमें अभी माउस काम नहीं करेगा, तो जो है आप टैप का इस्तेमाल कीजिए। ये हम नेक्स्ट पर आ गए टैप के माध्यम से, और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए आपके सामने आ गया विंडोज 7 इंस्टॉल। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल एंटर पर ही क्लिक कर देना है। अब यहां लिखा रहा है सेटअप इज स्टार्टिंग, तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे जो विंडो 7 की डीवीडी है उसमें बहुत सारे इसमें वर्जन दे रखे हैं। विंडो 7 स्टार्टर सर्विस पैक 186, और विंडो 7 होम बेसिक है, होम प्रीमियम है, प्रोफेशनल है, और अल्टीमेट है, एंटरप्राइजेस, होम बेसिक,
प्रोफेशनल जो भी है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें जो है, मैं इसमें से जो यूज़ करता हूँ वो प्रोफेशनल 64 बिट का यूज़ करता हूँ। तो मेरे प्रोफेशनल 64 बिट में इसमें सेलेक्ट करूँगा। अगर आप चाहते हो होम प्रीमियम, अगर आपकी डीवीडी के अंदर ये ऑप्शन है तो इतने सारे वर्जन हैं, तभी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिए आपको 64 बिट जो है यही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी इनमें से आप अल्टीमेट भी कर सकते हैं, एंटरप्राइजेस भी कर सकते हैं, लेकिन 64 बिट ही लेना है। तो मैं प्रोफेशनल सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन आ रहा है टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप स्पेस, जैसे आप अपने कीबोर्ड से स्पेस का बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप एंटर कर दीजिए नेक्स्ट। जैसे हमने नेक्स्ट किया, इसके बाद दो ऑप्शन आ रहे हैं अपग्रेड कस्टम एडवांस। तो आपको जो है अपने जो कीबोर्ड के अंदर एरो जो होते हैं अपन डाउन के, तो उससे डाउन वाले पे क्लिक करना है। डाउन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ कस्टम एडवांस वाला जो है सेलेक्ट हो चुका। उसके बाद हम एंटर कर देंगे। इस पर एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे जो सिस्टम है उसमें पहले से काफ़ी सारी ड्राइव बनी हुई है, लेकिन विंडोज इंस्टॉल करने का तरीका सेम रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, डिस्क के 0, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, सॉन्ग पार्टीशन 4, सॉन्ग्स न्यू वॉल्यूम सॉफ्टवेयर। तो मेरी जो विंडो जिसमें इंस्टॉल करनी है, सबसे पहली वाली जो ड्राइव है वो है मेरी सी ड्राइव, तो इसमें मुझे विंडो इंस्टॉल करनी है। तो आप देखिए, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्रेश लोड ड्राइवर और ड्राइवर ऑप्शन का, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर मैं नीचे करता हूँ तो आप नीचे एरो से ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो हमारा जो डिस्क 0 पार्टीशन 2 है, ये वाली जो ड्राइव है, तो ये सबसे पहली वाली जो है सिस्टम रिजर्व, ये 100 MB यहाँ पर लिखा है टोटल साइज़ है, फ्री स्पेस 45 MB। ये जो है बाय डिफॉल्ट इसमें जो है सिस्टम अपने आप कुछ MB जो है रिजर्व रखता है, तो इसे हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमें जो है दूसरा जो पार्टीशन है सी ड्राइव। तो जिन लोगों के सिस्टम में पहले से विंडोज इंस्टॉल है उन्हें पता होगा कि उनकी सी ड्राइव कितनी GB की है। तो मेरी 100 GB की थी, तो वो उस ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने ये ड्राइव सेलेक्ट की सेकंड वाली, उसके बाद मैं टैब के माध्यम से ड्राइवर ऑप्शन पर आ गया और एंटर क्लिक किया। एंटर क्लिक करते ही देखिए इसमें रिफ्रेश डिलीट फॉर्मेट और लोड ड्राइवर ये ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं, बाकी जो है डिजेबल है, यानी कि न्यू और एक्सटेंड का। यानी कि ये जो ड्राइव हमने सेलेक्ट कर रखी है इसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं एरो से नीचे किसी ड्राइव पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं देखिए फॉर्मेट डिलीट की। तो इन पार्टीशन को अगर आप डिलीट करना चाहते हो कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आपकी जो सी ड्राइव है उसे आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद टैब के माध्यम से नीचे आइए और यहाँ लिखा है फॉर्मेट, फॉर्मेट पर आप एंटर कर दीजिए। जैसे फॉर्मेट सेलेक्ट हो गया, देखिए आप इसके नीचे अंडरलाइन जो आ गया, तो ये सी ड्राइव हमारी सेलेक्ट है। यहाँ पर आपको मेंशन नहीं होगा सी ड्राइव, लेकिन ये पार्टीशन 2 है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम के अंदर कौन सी सी ड्राइव है और कितना GB स्पेस है उसके अंदर, कितनी GB की आपने बना रखी है। तो सी ड्राइव सेलेक्ट है, उसके बाद में फॉर्मेट जो है टैब के माध्यम से सेलेक्ट कर दिया और नेक्स्ट कर देता हूँ। ये आपको दे रहा पार्टीशन कंटेंट, रिकवरी फाइल, सिस्टम फाइल, इसमें बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है कि ये जो है आपका सारा डाटा जो है लॉस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैं कीबोर्ड में एरो के माध्यम से ओके सेलेक्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब ये जो मेरी ड्राइव है फॉर्मेट देखिए हो चुकी है। पहले इसपे 63-65 GB दिखा रहा था यूज़, लेकिन फ्री दिखा रहा था, लेकिन अब देखिए 97 और ये भी 97, यानी कि ये जो मेरी ड्राइव है फॉर्मेट हो चुकी है। अब ये वाली ड्राइव भी सिलेक्ट है। अब हमें क्या करना है, फिर दोबारा टैब के माध्यम से नेक्स्ट के बटन पर आना है। नेक्स्ट पर हम आ चुके हैं देखिए, और हमें एंटर कर देना है। जो हमारी ड्राइव सेलेक्ट है, जो हमने फॉर्मेट किया है वो सेलेक्ट है, और अब टैब के माध्यम से नेक्स्ट के बटन पर आ चुके हैं। अब हमें एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद अब देखिए ये कुछ प्रोसेस चलेगी, ये जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको वेट करना है। तो मेरे सिस्टम के अंदर रैम जो है 6 GB रैम लगी हुई है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट के अंदर मेरी जो विंडो है इसमें इंस्टॉल हो जाएगी। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है आप देखते रहिए, इस बीच में आपको कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, वरना आपकी जो है विंडो बीच में ही रुक जाएगी या दिक्कत हो जाएगी, तो आपको जो है फिर दोबारा से सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। हो सकता है आपको एक बार विंडो इंस्टॉल करना समझ में ना आए, तो इस वीडियो का अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं, कैसे करने हैं। बहुत इजी है, विंडो इंस्टॉल करने में कुछ नहीं है, लेकिन आपको वीडियो एक बार पूरा देखना होगा। जो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो ध्यान से सुननी होगी, समझनी होगी, उसके बाद आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी आपको वेट करना है, कुछ नहीं करना, कोई भी बटन नहीं दबाना जब तक ये कंप्लीट नहीं होता।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 0% चल रहा है अभी, ये 1 से लेकर 100 तक होगा तब जाके ये लोडिंग विंडो फाइल जो है कंप्लीट होगी। उसके बाद नीचे और कुछ ऑप्शन है, इंस्टॉलिंग फीचर, इंस्टॉलिंग अपडेट, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन, ये भी कंप्लीट हो जाएंगे आपकी। तो अगर आपके सिस्टम के अंदर रैम कम है तो समय लग सकता है, 15-20 मिनट लग सकते हैं। अगर रैम आपके सिस्टम में ज़्यादा है तो ये जो है बहुत फास्ट आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, जब भी आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो मैंने आपको अभी ऑप्शन दिखाए, हो सकता है किसी के में स्टार्टिंग के अंदर जो बूट वाला ऑप्शन दिखाया था, हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर और नीचे कुछ और आ रहा था, तो ऐसे ऑप्शन स्टार्टिंग में ना आए। तो आपको क्या करना है, जैसे आप सिस्टम रिस्टार्ट करते हैं, किसी किसी में ऑप्शन आ सकता है, जैसे आप विंडो की जो सीडी है अपने डीवीडी राइटर में इंस्टॉल डालते हैं, उसके बाद जैसे सिस्टम स्टार्ट करते हैं या रिस्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद ही आपको अपने कीबोर्ड से कोई भी बटन यानी कि F8 या स्पेस का बटन, कोई भी बटन कंटिन्यू प्रेस करते रहिए, क्योंकि वहां पर आएगा प्रेस एनी की बूट, ऐसा कुछ ऑप्शन आता है प्रेस एनी की, तो आप F8 या स्पेस का बटन कंटिन्यू प्रेस करते रहिए। उसके बाद जितने भी ऑप्शन है वही ऑप्शन आएंगे जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं, तो कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जैसे ही 100% हो जाएगा और नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, फंक्शन आ रहे हैं, इंस्टॉलिंग फीचर, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन, तो इसके बाद हमारा सिस्टम जो है एक दो बार रिस्टार्ट भी होगा बीच में, क्योंकि जितनी भी फाइलें हैं ये अपने आप ही ऑटोमेटिक लेगा और जो है सिस्टम रिस्टार्ट होगा। तो आपको कुछ नहीं छेड़ना, कभी आप सोचो कि रिस्टार्ट हो रहा है सिस्टम या कोई बटन दबाएं या सीपीयू का कोई बटन दबाएं, आपको कुछ नहीं करना, सिस्टम आपका चालू रहेगा, ये अपने आप ही फाइलें लेगा और आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। देखिए इसमें आ चुका है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, विंडो नीड टू रिस्टार्ट टू कंटिन्यू, तो ये जो है अपने आप ही रिस्टार्ट हो जाएगा। तो मोबाइल से रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है क्लियर दिखाई दे। बस आपकी विंडो जो है जल्दी इंस्टॉल होने वाली है, क्योंकि जितना टाइम लगता है विंडो इंस्टॉल होने में वो 1 से 100 जो काउंटिंग होती है, परसेंटेज होती है, उसी में टाइम लगता है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर माउस का ऑप्शन भी आ चुका है, देखिए माउस का जो एरो है
इसमें आ चुका है अभी। यहाँ आ सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर, यानी कि सेटअप जो है वो कंटिन्यू रहेगा, आपका सिस्टम अभी रीस्टार्ट हो रहा है तो आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो है आपसे मांग रहा है टाइप ए यूज़र नेम, फॉर एग्जांपल जॉन यहाँ लिख रखा है, तो अपना आप जो भी यूज़र नेम देना चाहते हैं वो आपको यूज़र नेम लिखना होगा, और अदरवाइज आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन है ये जो नीचे आप देख रहे हैं हाईलाइट नहीं होगा, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कि ए बी सी डाल दिया, ठीक है, ए बी सी डालने के बाद नेक्स्ट कर दिया, टाइप है पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड और टाइप है पासवर्ड हिंट। अगर आप चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है आपका जब भी आप कोई स्टार्ट करें तो पासवर्ड मांगे, तो उसके लिए है मैं पासवर्ड नहीं डालता इसके अंदर, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। अगर आप पासवर्ड डालना चाहते हैं तो पासवर्ड डाल सकते हैं, दोबारा पासवर्ड डालिए, उसके बाद कोई हिंट डाल दीजिए आपने क्या डाला है, कोई नंबर डाला तो यहाँ नंबर लिख सकते हैं, कोई अल्फाबेट डाला तो यहाँ अल्फाबेट लिख सकते हैं आप, क्योंकि आप जब भी फिर आप सिस्टम आप रिस्टार्ट करेंगे या सिस्टम स्टार्ट करते हैं हर बार वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। मैं इसे छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें आपको ये लिखा है आस्क मी लेटर, इसमें सारे ऑप्शन छोड़ दीजिए, लिखा है आस्क मी लेटर, इसे आप सेलेक्ट करके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है टाइम जोन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा जो टाइम जोन है इंडिया का नीचे आना है आपको, देखिए ये आ रहा है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली, हम इसे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिसंबर आ चुका है, तारीख जो भी है आज वो तारीख आ रही है, यहाँ पर 12 दिसंबर है, और टाइम जो है जो भी हो रहा है वो यहाँ पर टाइम आ रहा है। अगर आपका टाइम या डेट यहाँ गलत होती है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर आपका ये जो मंथ है ये आ जाएंगे, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपके ईयर आ जाएंगे। तो हमारा 2020 चल रहा है, 2020 है, दिसंबर है और 12 तारीख है, ये टाइम है, आप टाइम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सपोज कीजिए आपका टाइम यहाँ पर गलत हो रहा है, फिर आप टैब का यूज़ करेंगे तो अगले ऑप्शन पर आ जाएगा, यहाँ अगले ऑप्शन पर आ जाएगा, और शिफ्ट टैब करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। तो ये टाइम है, ये मिनट है, ये सेकंड है, ये एएम पीएम है, ठीक है। तो 5:11 हो रहे हैं तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये जो आ रहा है इंस्टॉलिंग विंडो लोडर जो अभी आया था एक, तो वो हर किसी के में नहीं आएगा, तो मेरी डीवीडी है इसके अंदर ऑप्शन आ जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी डीवीडी जो भी आप इंस्टॉल करोगे विंडोज होगा ना आपकी के अंदर भी ये जो पॉपअप आया है आए। नीचे विंडो 7 प्रोफेशनल लिखा हुआ है, उसके बाद ये जो है मेरा गीगाबाइट का मदरबोर्ड है इसलिए गीगाबाइट लिखा आ रहा है, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सिस्टम आपका रीस्टार्ट हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं छेड़ना, ये अपने आप ही जो है सिस्टम रीस्टार्ट होगा और आपका सिस्टम जो है एकदम जितना विंडोज जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए आपकी जो विंडो है इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर स्टार्ट का आइकन आ चुका है, ठीक है, और यहाँ टाइम डेट वगैरह जो भी वो आ चुकी है, ठीक है, टाइम डेट आ चुका है यहाँ पर, और ये लोगो आ चुका है इसका, स्टार्ट का जो आइकन होता है वो आ चुका है। अब ये हमारा गीगाबाइट का मदरबोर्ड है इसलिए जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इसकी जो थीम है या वॉलपेपर कह सकते हैं लगा हुआ है, तो हम राइट क्लिक करेंगे इस पर और पर्सनलाइज पर जाएंगे और इसका जो थीम है वो हम चेंज कर लेंगे। तो हम इस पर पहला सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट किया हमने, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो विंडो 7 का जो थीम है ये वाली सेलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद आप क्लोज कर दीजिए तो ये आपका जो विंडो 7 है वो इंस्टॉल हो चुकी है, ये इसका लोगो आ चुके हैं, ये हमारा सब कुछ स्टार्ट हो चुका है इसमें।
तो इस तरीके से आप जो है विंडोज 7 इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आप अपने जो डीवीडी एडिटर में जो आपने विंडोज 7 की सीडी डाल रखी है उसे आप निकाल सकते हैं। अब ये कंप्लीट हो चुकी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है इसमें। बस इसमें आपको अपने जो मदरबोर्ड के जितने भी ड्राइवर हैं वो आपको इंस्टॉल करने होंगे। जैसे कि इसका अब यहाँ पर नेट का ऑप्शन नहीं आएगा, ये क्रॉस का आइकन देख रहे हैं, इसमें लैंड ड्राइवर डालना होगा। अभी आपको ग्राफिक का डालना होगा क्योंकि देखिए इसमें अभी ग्राफिक का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वो डालना होगा इसमें आपको। और भी बहुत सारे जो आपके मदरबोर्ड के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, चिपसेट के जितने भी ड्राइवर होते हैं वो आपको इंस्टॉल करने होंगे, जो कि आपको मदरबोर्ड के साथ ही मिलते हैं। तो इस वीडियो में मुझे आपको बताना था विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।